सबसे पहले हमने डिजिटल सपोर्ट को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद हम सर्च करते हैं पैन कार्ड। पैन कार्ड में कोई एक खोल लेते हैं, यूटीआई का मान लीजिए यही खोलते हैं, पैन कार्ड ईकेवाईसी सर्विस। क्लिक करते हैं क्लिक हेयर पर, फिर हमारा नेक्स्ट पेज खुलता है, डैशबोर्ड खुल गया। अब यहाँ अप्लाई वाले में देखते हैं अपलोड हमारा दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमारा डाटा नहीं दिखा रहा है, जब 24 घंटा बीत जाता है तो हमारा डाटा ऑब्जेक्शन में हो जाता है। तो हम सर्च करते हैं पैन ऑब्जेक्शन में, पैन ऑब्जेक्शन में फाइंड एप्लीकेशन अंडर ऑब्जेक्शन पर क्लिक करते हैं। देखिए हमारे में 4 डाटा दिखा रहा है, सबसे नीचे वाला हमारा लास्ट डाटा है, इसी पर हम ट्राई करेंगे। इसको एडिट कर लेते हैं, फिर जो डाटा है उसको सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट होता जा रहा है, सेव होता जा रहा है। और यहाँ जो ज़िला होता है वो हट जाता है, तो ज़िला को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। सॉरी, दूसरा ज़िला हो गया, सोनभद्र कर लेते हैं। सोनभद्र हो गया, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट करते हैं, इसका सबमिट कर देते हैं। ये हमारा डाटा पूरा सेव हो गया। अब यहाँ से क्लोज कर देते हैं या इसको काट देते हैं। अब हम अपलोड करेंगे तो यहीं पैन ऑब्जेक्शन वाले में जाएंगे और अपलोड टू क्लियर ऑब्जेक्शन डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। क्योंकि अब 24 घंटे बीत जाता है तो ये हमारा अप्लाई वाले में से चेंज हो करके पैन ऑब्जेक्शन अपलोड पर क्लिक करने पर यहाँ पर डाटा खुल गया। इसके बाद यहाँ क्राफ एंड अपलोड पर, उसके बाद हमारा डाटा खुल रहा है। अब यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। चूज करने के फाइल हमारा ये पीडीएफ बना हुआ है डाउनलोड में, डाउनलोड से हम यहाँ से अपलोड ओपन कर लेते हैं। यहाँ से फिर अपलोड पीडीएफ फाइल करते हैं। ये हमारा अपलोड हो रहा है। जैसे ही अपलोड हो जाता है फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। तो अपलोड हो रहा है थोड़ा सा, ये हमारा अपलोड हो गया। अब हमें जो इमेज लेना है, ये हमारा पीडीएफ खुल रहा है। जैसे ही खुल जाता है फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। तो ये हमारा पीडीएफ जल्दी खुलो भाई, हाँ ये खुल गया। अब जिस ये फ़ोटो क्रॉप करना है तो फ़ोटो वाले पे क्लिक करेंगे, चाहे जो भी क्रॉप करना हो ये पेज को पे क्लिक करते हैं। देखिए हमारा पेज यहाँ पर खुल गया। अब जितना क्रॉप करना है उतना सिलेक्ट करके, यहाँ क्रॉप इमेज है इस पर क्लिक करेंगे उतना क्रॉप हो जाएगा। तो हमारा क्रॉप हो गया। अब इस फ़ोटो को उठाएँगे, उठा करके यहाँ इमेज वाला जो आइकन बना हुआ है इसको छोड़ देंगे। ये हमारा फ़ोटो सिलेक्ट यहाँ हो गया। अब दूसरा हमें सिग्नेचर सिलेक्ट करना है, तो किसी भी पेज का सिग्नेचर तो सभी पर है, एक सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं। ये हमारा सिग्नेचर क्रॉप हो गया। क्रॉप इमेज पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ से उठाकर फिर सिग्नेचर वाले कॉलम में छोड़ देते हैं। ये हमारा दोनों हो गया। अब उसके बाद हम अपलोड पिक्चर एंड सिग्नेचर करते हैं। यहाँ देखिए मैसेज आएगा, वेल डन डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुल फॉर एप्लीकेशन नंबर इतना इतना इतना। तो हमारा सक्सेसफुल अपलोड हो गया। तो आसानी से इस तरह से अपलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।